नमस्कार, आज मैं एक मल्टीग्रेन डोसा बनाऊंगी जिसे कि आप वेट लूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसे भी आप बना करके खा सकते हैं। और लास्ट में मैंने एक हेल्दी चटनी रेसिपी बनाया है, तो वीडियो पूरा देखिए और ज़रूर एक बार बना के तो इसको खाइए। बनाने के लिए मैंने लिया है छिलका वाला मूंग दाल 1 कप, और यहाँ पे है चने का दाल 1 कप। तो दोनों को मैंने समान मात्रा में लिया है। आप 200-200 ग्राम ले रहे हैं तो 200-200 ग्राम लीजिए, और चावल जो है थोड़ा सा उससे 1 कप से कम लेना है। और इन तीनों को आप रात भर के लिए भिगो देना है। मैंने ऑलरेडी भिगा दिया था और ये रात भर के लिए पूरी तरह से भीग गया है और इसका पानी भी मैंने निकाल दिया है, देखिए। और चने का दाल और मूंग का दाल में प्रोटीन भरा पूरा रहता है, तो इसके जो रेसिपी है पूरा हेल्दी होगा। और यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल दिया है इसमें, और इसको हम एक ग्राइंड करके एक बैटर बना लेंगे। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है और एक डोसा बैटर जैसे बना लेंगे। तो ये जो है पूरी तरह से फाइबर से भरा पूरा होता है, तो आपको वेट लूज करने में बहुत मदद करेगा। यहाँ पे है नमक, नमक आपके स्वादानुसार डालें। नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसको आपको रखने के लिए ज़रूरत नहीं है, तुरंत इसको बना सकते हैं। अगर आप रखना चाहें तो 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, 1 घंटे पहले ग्राइंड करके तुरंत बना सकते हैं। तो इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दिया है कटा हुआ, और कटा हुआ धनिया पत्ता। ये जो है हरी मिर्च और धनिया पत्ता ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर ना चाहे तो नहीं। धनिया पत्ता को अगर डालना चाहे, और हरी मिर्च को पूरी तरह से छोटे छोटे बारीक पीसेस में काटना है। और यहाँ पे मैंने तवा गरम करके तेल लगा लिया है, और इसको हम अच्छे से जैसे हम डोसा बनाते हैं उसी तरीके से फैला के बना लेंगे। तो इसको आपको ढक देना है लगभग कुछ सेकंड के लिए, 30 सेकंड या 30-40 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए ढक देना है। और एक तरफ थोड़ी देर सीखने के बाद दूसरी तरफ हम इसे पलट लेंगे। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है। तो इसी तरह बाकी जितना भी है इसको मैं बना लूँगी। अगर आप दूसरे रेसिपी वगैरह देखना चाहें तो भी ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो हम इसके लिए हेल्दी, हमारा डोसा है तो चटनी भी हेल्दी होना चाहिए। तो मैंने इधर लिया है टमाटर 2 कटा हुआ, हरी मिर्च 2 कटी हुई, धनिया पत्ता, लहसुन 2 कलियां, और हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा 1 चम्मच भुना हुआ अलसी का बीज जो फ्लैक्सीड बोलते हैं, इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये अभी इसके साथ खाने के लिए चटनी भी हो गया है रेडी। अगर आप चाहें तो नारियल की चटनी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हेल्दी डोसा है तो मैंने भी ये चटनी भी हेल्दी तरीके से बनाया है। तो इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। अभी आपका डोसा और चटनी जो है रेडी है खाने के लिए। आप ज़रूर बनाएं एक बार, और आपका डोसा कैसा बना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर जरूर करें। थैंक यू।